अयोध्या में बरसों से चले आ रहे राम जन्मभूमि विवाद मामले पर फैसला सुनाकर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे पुराने मामले का निपटारा कर दिया। माना जा रहा है कि सभी पक्षों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान दोनों पक्षों की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल अभी इस मामले को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से तनाव की बातें सामने नहीं आई हैं। वहीं इस सबके बीच गुजरात के भरूच से आने वाले भाजपा सांसद मनसुख बसावा ने ऐसा बयान दिया है जो शायद उनकी पार्टी को ही पसंद न आए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मनसुख बसावा ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ होने का पूरा क्रेडिट अपनी पार्टी को दे दिया। भाजपा सांसद मनसुख बसावा यह खुद मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला इसलिए आया क्योंकि केंद्र में अपनी यानी बीजेपी की सरकार है। लगातार छठी बार भरूच से सांसद चुने गए मनसुख बसावा ने कहा, राम जन्मभूमि कितना पुराना मुद्दा था, कितने वर्ष बीत गए, देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय से राम जन्मभूमि का आंदोलन चला आ रहा था, कितने लोग शहीद हो गए, कितने आंदोलन हुए, लेकिन ये मुद्दा अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्र में होने के कारण ही सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में फैसला देना पड़ा। भाजपा सांसद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने का फैसला भाजपा के कारण ही दिया है। भाजपा सांसद यह खुद सरेआम कबूल रहे हैं कि मौजूदा सरकार और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को प्रभावित करने का दम रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा कुछ फैसलों को देखकर कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र संस्था के स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि मौजूदा सरकार क्या देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र संस्थाओं के कामकाज पर भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रभाव डाल रही है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा जरूरत अब है। Patreon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।